नमस्कार दोस्तों, नितेश चौहान जी ने पूछा है कि अगेन थैंक्स डॉक्टर प्रशांत, आई थिंक नाउ ट्रायल 3 विल बी कंडक्टेड इन इंडिया फॉर रशियन वैक्सीन। इफ यस देन व्हेन ट्रायल कैन स्टार्ट, हाउ लॉन्ग इट टाइम ट्रायल टू बी कंप्लीटेड, यूजुअली इट टेक 4 to 6 मंथ्स फॉर ट्रायल 3, विल इट बी फास्ट ट्रायल। तो नितेश चौहान जी ने कहा है कि मुझे लगता है कि अभी फेज 3 के ट्रायल्स इंडिया में शुरू होंगे स्पुटनिक 5 वैक्सीन के, जो रशिया की वैक्सीन है। तो ये ट्रायल्स कब शुरू होंगे? यूजुअली 4 से 6 महीने लगते हैं फेज 3 ट्रायल्स के लिए, तो क्या ये फास्ट ट्रैक तरीके से किए जाएंगे? तो दोस्तों, इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर प्रशांत मोरे हेल्थ टिप चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, जो रशिया की वैक्सीन है स्पुटनिक 5, 11 अगस्त को इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिला है और रशिया में इसके अभी फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं। इसके साथ साथ रशिया ने अपने अलग अलग रीजन्स में वैक्सीन की पहली बैच भेजी है और जो वल्नरेबल लोग हैं इनको ये वैक्सीन देना शुरू हुआ है। तो अभी एक अच्छी खबर यह है कि रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ एग्रीमेंट किया है और रशिया जो है भारत को 10 करोड़ वैक्सीन के डोसेज दे रहा है। दोस्तों, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर है जीवी प्रसाद, इन्होंने कहा है कि RDIF के साथ एग्रीमेंट करके हमें खुशी हुई है और इसके फेज़ 1 और फेज़ 2 के नतीजे अच्छे हैं और अभी जो इंडियन रेगुलेटरी बॉडी है ICMR, इससे परमिशन लेंगे हम इंडिया में इसके फेज 3 ट्रायल शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे प्रतीत होता है कि जल्दी इसके फेज 3 ट्रायल शुरू होंगे और जो फेज 3 के नतीजे आने के लिए 4 से 6 महीना लगता है, ये सही बात है। लेकिन जैसे अभी पैंडेमिक जिस तरह से फैल रहा है तो मुझे लगता है ये फास्ट ट्रैक तरीके से ट्रायल किए जाएंगे और इसका अगर अर्ली डाटा आता है फेज 3 का तो उससे भी इमरजेंसी अप्रूवल वैक्सीन को मिल सकता है। जो रशिया में इसके फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं 40,000 लोगों पे, इसके रिजल्ट्स नवंबर या दिसंबर तक आने वाले हैं, तो उसके जो रिजल्ट्स रहेंगे उसके हिसाब से भी ये डिसीजन ली जा सकती है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्पुटनिक 5 है, गैमेलिया इंस्टीट्यूट है, ये इंडिया में बात कर रही है कुछ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ ताकि स्पुटनिक 5 का इंडिया में प्रोडक्शन हो। जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ RDIF ने एग्रीमेंट किया है, इसमें वैक्सीन रशिया में बनेगी और भारत को दी जाएगी, तो ये वैक्सीन लगभग दिसंबर तक मिलने के चांसेस है। और जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रयास चल रहा है रशिया का, तो हैदराबाद में कुछ मैन्युफैक्चरर्स और SII पुणे, हैदराबाद का जो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स है, उनके साथ रशिया की बातचीत चल रही है। तो इसके अभी डिटेल सामने नहीं आए हैं कि एग्रीमेंट आगे पहुँचा या नहीं पहुँचा है। रशिया भारत में 30 करोड़ वैक्सीन के डोसेज बनाना चाहता है, तो इसके बारे में हो सकता है जल्दी कुछ अपडेट आए। दोस्तों, कुछ इंडियन न्यूज़पेपर्स में ये खबर छपी कि जो रशिया की वैक्सीन है स्पुटनिक 5, इसके 1 में से 7 लोगों में साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। रशिया के हेल्थ मिनिस्टर है मिखेल मुरास्को, उन्होंने ये जानकारी दी है कि 1 में से 7 लोगों में इसके साइड इफेक्ट्स देखते हैं, लगभग 14% लोगों में। तो जिन लोगों में साइड इफेक्ट्स रहते हैं उनमें बदन दर्द होता है, वीकनेस रहता है और हल्का बुखार आता है। उन्होंने आगे ये जानकारी दी कि ये जो साइड इफेक्ट से माइल्ड है। जैसे आप देखते हैं कि बचपन में अगर वैक्सीन दी जाती है तो बच्चों के क्या होता है, 1-2 दिन तक बुखार रहता है थोड़ा या बदन दर्द होता है। तो इस तरह के लक्षण जो है साइड इफेक्ट्स है ये काफ़ी वैक्सीन देने के बाद आते हैं, लेकिन कोई मेजर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिला है, ये अच्छी बात है। और दोस्तों, अभी जो इसकी फेज 3 ट्रायल चल रही है, इसके नतीजे भी नवंबर या दिसंबर तक आ सकते हैं, तो हम आशा करते हैं कि वैक्सीन जल्द से जल्द अवेलेबल होगी। दोस्तों, इंडिया में भी इसके फेज 3 ट्रायल शुरू होंगे तो हो सकता है इंडिया में और मैन्युफैक्चरर्स इसको तैयार करने के लिए रेडी हो। दोस्तों, इसके अलावा आपके मन में कुछ शंका या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।